चल हो जा शुरू। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुमा केसरी। तो पीओके के बारे में आप आपको इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे पास भी जो एजेंसी से लोगों के थ्रू और खबर कि पीओके के लोग बेसब्र हो चुके हैं ना, मूड बन चुका है और वो देख रहे हैं 370 रखने के बाद जिस तरह से आ रहे करोड़ इन्वेस्टमेंट, जिस तरह आप गुलमर्ग जाइए देख रहे हैं लोग, देख रहे हैं होटल, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, खुद ही पीओके की धरती से आवाज उठेगी ऐसा मेरा विश्वास है। नहीं, निश्चित रूप से पीओके से आवाज उठेगी, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। और पीओके के बारे में तो फॉर्म कन्विक्शन के साथ मैं कहना चाहता हूँ, था है और रहेगा, और हम तुमको अपना मानते ही हैं, और हम तो बिल्कुल दिल खोल कर बैठे हैं। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के समझ में सारी बातें निश्चित रूप से आ रही होंगी, और मैं कहना चाहता हूँ कि बस वो भी पाकिस्तान भी ये सब आतंक आतंकवाद का सहारा लेना बंद करे। कोई कहीं नहीं घुस गया और भारत की एक इंच जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर पाएगा, तो आप क्या बात करते हैं। लेकिन मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि देश की सीमाओं की सुरक्षा को लेकर वो पूरी तरह से आश्वस्त रहे। तो पीओके के बारे में आप आपको इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे पास भी जो एजेंसी के थ्रू से लोगों के थ्रू और खबर कि पीओके के लोग बेसब्र हो चुके हैं ना, मूड बन चुका है और वो देख रहे हैं 370 रखने के बाद जिस तरह से हजारों करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई है, जिस तरह आप गुलमर्ग जाइए इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन देख रहे हैं लोग, देशी टूरिस्ट आ रहे हैं, होटल बन रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हो गई, स्टील प्लांट हो रहे हैं, तो उन्होंने देखा है, वो भी चाहते हैं टू बी ब्रॉट इनटू द डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, खुद ही पीओके की धरती से आवाज उठेगी ऐसा मेरा विश्वास है। प्रतीक्षा कीजिए, हम किस तरह का समर्थन दे सकते हैं। बस इसमें इतना ही कहना चाहूंगा, पीओके से आवाज उठेगी मुझे पक्का विश्वास है, और पीओके के बारे में तो फर्म कन्विक्शन के साथ मैं कहना चाहता हूँ, था है और रहेगा। पाकिस्तान की सरकार जो ऐसे भी मतलब अपनी विडंबना में रहती है हमेशा, अभी तो इतनी उनकी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही, उनको क्या संदेश है आपको पीओके को लेकर? नहीं, उनको मैं कोई संदेश नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन उनकी समझ में तो चीजें आ ही नहीं होंगी, मेरा ऐसा मानना है। जो संदेश जाना होगा वो संदेश जाएगा समय के साथ। देखिए, पीओके की तरफ देखते रहिए, इस समय इतने, बिल्कुल इस समय इतने, अगर होगा तो कुछ नहीं, निश्चित रूप से पीओके से आवाज उठेगी, मैं कॉन्फिडेंट हूं। और हमारा अधिकार, क्योंकि मुझे याद है 2 साल पहले मैंने मुझे बोला था, उसके बाद मैंने देखा कि पीओके में आवाज उठने लगी थी, मैं जिस तरीके से राशन के लिए मारामारी पाकिस्तान में हो रही है डेली, और यहाँ जो है हर मंथ 5 किलो फ्री राशन 80 करोड़ लोगों को भारत में मिल रहा है, ये हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तब स्वाभाविक है कोई देखेगा तो अंतर समझ में आएगा। और हम तो उनको अपना मानते ही हैं, मतलब हम तो बिल्कुल दिल खोल कर बैठे हैं, उनको गले लगाने के लिए दिल खोल कर बैठे हैं, गले तो लगाया ही हुआ है, गले लगाया। आपको भी तो रिपोर्ट आती होगी, ऐसी चीज है, ऐतिहासिक कदम तो होना चाहिए। कोई भी चुनाव के पहले मैं तो उन्हीं चीजों पर बात करूंगा, और आपको मैं बता दूं कि
प्रधानमंत्री जी से मैंने बात की थी, और एक बात तो प्रधानमंत्री जी की जो मतलब जो कहते हैं वो करते हैं। प्रधानमंत्री जी के साथ एक इंटरव्यू की थी मैंने, करीब 6 लास्ट इंटरव्यू था 2014 के कैंपेन का, और उन्होंने कहा था मुझे पाकिस्तान के मुद्दे पर सवाल उठाया था, बड़ा फेमस लाइन था मोदी जी का, कहा न बम बंदूक और बारूद के बीच में बातचीत हो सकती है क्या, क्लिप बिल्कुल वायरल हो गई, और फिर लोगों को लगा था कि क्या ये फॉरेन पॉलिसी में इंप्लीमेंट हो सकती है, हमने तो दिखा दिया, बिल्कुल दिखा दिया। और बालाकोट के बाद से लेके जिस तरह से, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान को इशारा जा चुका है फॉरेन पॉलिसी पर सवाल है जो डिफेंस पॉलिसी के साथ? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की समझ मैं समझता हूँ पाकिस्तान के समझ में सारी बातें निश्चित रूप से आ रही होंगी। कौन सी बात है राजनाथ, कौन सी बात? भारत की स्थिति क्या है, वो कहां खड़े हैं, एक बार उनका विभाजन हो ही चुका है, दो देश बन चुके हैं, और राशन के लिए वहां पर बिल्कुल मारावारी हो रही है, जो न्यूनतम आवश्यकताएं जो नागरिकों की होती हैं उस उन न्यूनतम आवश्यकताओं को भी वहां की गवर्नमेंट पूरा नहीं कर पा रही है, उसके कारण आप देखते होंगे कि वहां के भी प्राइम मिनिस्टर वगैरह भी जब बोलते हैं तो कुछ हताश निराश से आपको नहीं लगते? कल 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 ही मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, और मैं कहना चाहता हूं कि बस वो भी पाकिस्तान भी ये सब आतंक उतंकवाद का सहारा लेना बंद करे, हमारे पड़ोसी हैं, पड़ोसियों के साथ हम तो अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं, अटल जी हमारे कहा भी करते थे जिंदगी में दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलते, हर पड़ोसी के साथ हम अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा था है और रहेगा। राजनीतिक स्तर पर क्या आपको लगता है कि अगर चुनाव चुनाव के नतीजे के आधार पर फॉरेन पॉलिसी बदल सकती है, जैसे जिस तरह से आपने नींव बनाई चीन के साथ, अब दोनों तरफ से बिल्डअप हो रहा है, एक बहुत बड़ा आप रक्षा मंत्री है, एक आरोप आप पर है, और इस पर खुलकर कहे, क्योंकि जितने हमारे लोग हैं ये जानना चाहते हैं, बोली जो भी मैं बोल रहा हूँ, जो भी आजकल एक नया ट्रेंड बन चुका है वायरल वीडियो, ये विदेश में बैठकर लोग वायरल वीडियो बनाते हैं, अरे लद्दाख चला गया, कश्मीर घाटी चली जाएगी, भूटान चली गई, हमारे पड़ोसी देश हमारे साथ काम नहीं करना चाहते, चीन में घुस गया, चीन श्रीलंका कोई कहीं नहीं घुस गया, और भारत की एक इंच जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर पाएगा, तो आप क्या बात करते हैं आप? और इस समय में कुछ ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि इस समय भारत करना जरूरी नहीं, नहीं नहीं देखिए चीजों पर क्लैरिफाई करना बहुत, क्लैरिफाई कर तो वही मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ ना, मैं आपको एक बात सॉरी, जितने हमारे दर्शक है जितने वोटर वो जब जाते हैं वोट कास्ट करने, तो उनके मन में राष्ट्रीय सुरक्षा बहुत बड़ा होता है, ये कोई यूको म्युनिसिपैलिटी की चुनाव है, ठीक है बिल्कुल सही, होना भी चाहिए, होना चाहिए। आपसे मैं पूछूंगा तो जिसके अंदर भी जिसके अंदर भी सेंस ऑफ नेशनल प्राइड है, राष्ट्रीय स्वाभिमान का भाव जिसके अंदर भी है, स्वाभाविक है उसके देश की सीमाओं की रक्षा की चिंता होगी ही, लेकिन मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि देश की सीमाओं की सुरक्षा को लेकर वो पूरी तरह से आश्वस्त रहे, कहीं पर कोई शंका करने की कोई जरूरत नहीं। लद्दाख में हुआ क्या? मैं लद्दाख में देखिए बहुत अब ऐसा है ना कि सार्वजनिक रूप से नहीं बोला जा सकता कि क्या हुआ है, आज आज जितना बोल सके, नहीं भारत देख रहा है प्रोग्राम, कोई देख रहा है वोट करने जाएंगे, भारत और चाइना के बीच अच्छे माहौल में इस समय बातचीत हो रही है, जब बातचीत का सिलसिला चल रहा हो, ठीक तरीके से चल रहा हो, अच्छे माहौल में चल रहा हो, तो मैं समझता हूं कि मुझे ज्यादा टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारत की सुरक्षा के साथ किसी भी सूरत में भारत कंप्रोमाइज नहीं करेगा। क्या वो हमारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, कर सकेंगे? जो था जब किया था तो किया था, कहां की बात कर रहे, बीती बातों की यहां क्यों चर्चा कर रहे हैं? बीती बातों नहीं नहीं हुआ होगा कभी, हवा चल रहा है नहीं नहीं हवा चल रहा है, चलाने की कोशिश चल रही है, पिछली बातों की चर्चा कर रहे होंगे लोग, वही दिमाग में बैठा होगा लोगों को, और उसकी चर्चा मैं नहीं करना चाहता, मैं तो अपनी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं।